सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा ये पहला वीडियो रहेगा और हम शुरुआत कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इस वीडियो सीरीज़ में हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी स्टेम सेल्स, उसके बाद हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, उसके बाद जीनोमिक्स, उसके बाद क्लोनिंग एंड ट्रिपल पैरेंट बेबी, उसके बाद सरोगेसी और उसके बाद जीएम क्रॉप्स, उसके बाद जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स, फार्माकोजेनोमिक्स, क्रिस्पर कैस 9, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी कंट्रोल, उसके बाद जापानीज़ इंसेफेलाइट्स, पोलियोमाइलेट्स और नोवेल कोविड-19। सो ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो शुरू करते हैं। चूँकि हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स, बट बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड what these stem cells are and their importance in medicine, I want you people to be familiar with the complexity of the human body in terms of number of different types of cells. So, though in human body cells are of hundreds of types, but here we ought to look over a small section of these cell types before we proceed to the discussion of stem cells and their importance for biotechnology. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं stem cells, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज़ बोन सेल, देन ब्लड सेल, मसल सेल्स। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, बट हम यहाँ पे मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स देख रहे हैं। ऐसे ही स्पर्म सेल विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन मेल्स एंड फीमेल्स में हमारा एग सेल इज़ द लार्जेस्ट वन। उसके बाद फैट सेल्स जिनको एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं और नर्व सेल्स जिनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे बोन सेल्स में हमने यहाँ पे ये तीन और टाइप्स ऑफ सेल्स लिखी हैं जो कि बोन के ही सेल्स होते हैं। लाइक ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसा क्लास ऑफ सेल्स है विच डिजॉल्व बोन, और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं दोज टाइप ऑफ बोन सेल्स विच एक्चुअली फॉर्म द न्यू बोन, एंड ऑस्टियोसाइट्स दीज आर सराउंडेड बाई बोन एंड हेल्प कम्युनिकेट विद अदर बोन सेल्स। ऑलराइट, सो ऐसे ही हमारे पास ब्लड में होती हैं आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़, प्लेटलेट्स, और मसल सेल्स का दूसरा नाम मायोसाइट्स भी है। स्पर्म सेल आपने मैंने बता ही दिया, स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में मेल्स में, और फीमेल एग सेल इज़ द लार्जेस्ट वन। सो चूँकि हमारा जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ स्टेम सेल्स, और ये जो स्टेम सेल्स होती है दीज आर अनडिफ्रेंशिएटेड क्लास ऑफ सेल्स जिनसे ऑलमोस्ट ये हर एक सेल बनती है। ऑलराइट, यानी कि बोन सेल से स्टेम सेल नहीं बन सकती, बट स्टेम सेल से बोन सेल बन जाती है। ऐसे ही स्टेम सेल से आरबीसी यानी कि ब्लड सेल्स भी बनती है। स्टेम सेल से मसल सेल्स भी बन सकते हैं। मेजरली सारे टाइप्स ऑफ सेल्स स्टेम सेल से बनते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्टेम सेल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो cells can be categorized broadly into being differentiated and undifferentiated. अब differentiated और undifferentiated में क्या क्या differences है पहले वो हम समझते हैं, उसके बाद हम stem cells को आगे समझेंगे। चलो ये देखो, तो इस difference को समझने के लिए आप यहाँ पे पहले differentiated cells में देख लीजिए। ये वो सेल्स होती हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है और मॉडिफाइड होती है टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी सेल जो मॉडिफाई होकर मसल सेल बनी, कोई ऐसी सेल जो मॉडिफाई होकर फैट सेल बनी, कोई ऐसी सेल जो मॉडिफाई होकर बोन सेल बनी, कोई ऐसी सेल जो मॉडिफाई होकर ब्लड सेल बनी। नाउ दिस इज़ द एंड यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दीज सेल्स। इसके बाद ये और डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं कि कोई और सेल बनाएंगी। बोन सेल से कोई और सेल नहीं बन सकती, ब्लड सेल से कोई और सेल नहीं बन सकती, सेम इज़ द केस मसल सेल से कोई और सेल नहीं बनेगी। तो ये हाईली डिफरेंशिएटेड और ये उनका एंड यूज़ होता है इन डिफरेंशिएटेड सेल्स का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, ये वो सेल्स होती है जो कैपेबल होती है गिविंग राइज टू इनडेफिनेटली मोर सेल्स ऑफ द सेम टाइप। अब ये स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो कि इनकी ये कैपेसिटी होती है कि ये किसी और सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि ये डिफरेंशिएटेड सेल्स का ये एंड यूज़ होता है। इसके बाद ये सेल्स फर्दर किसी और सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मगर ये स्टेम सेल्स जो होती है ये कैपेबल होती है टू गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ सेल्स। और इतना ही नहीं, ये रेप्लिकेशन भी होता है इन स्टेम सेल्स का, यानी कि स्टेम सेल्स से और नए स्टेम सेल्स भी बनते हैं और इन स्टेम सेल्स का कोई डेफिनेट साइज़ नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी बात, डिफरेंशिएटेड सेल्स को यूजुअली स्पेशलाइज्ड सेल्स बोला जाता है और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को मोस्टली स्टेम सेल्स ही बोला जाता है। अब स्पेशलाइज्ड सेल्स का यूनिक शेप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन होता है, यानी कि देखो आप, मसल सेल का एक शेप है, फैट सेल का एक शेप है, बोन सेल का एक शेप है, ब्लड सेल का एक शेप है। इट इज़ ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, क्योंकि इनका अलग अलग फंक्शन है सो इनका शेप भी अलग अलग है। बट स्टेम सेल का एक ही शेप है, मोस्टली ये राउंड होते हैं और स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। नाउ ये डिफरेंशिएटेड सेल्स का उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग लोकेशन भी होता है, यानी कि फैट सेल का एक लोकेशन होगा, बोन सेल का एक लोकेशन है, ब्लड सेल्स का अलग लोकेशन है, ऐसे ही एपिथेलियल सेल्स का अलग लोकेशन है, इम्यून सेल्स का अलग लोकेशन है। बट अगर हम देखें ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि स्टेम सेल्स, इनको मोस्टली पाया जाता है एम्ब्रियोज में, फीटस में, मोस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर पाया जाता है, बहुत ही कम नंबर में पाया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस इन द बॉडी। ये अलग अलग डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है ये अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर इनका है। बट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बहुत ही कम नंबर में, जिनका नाम स्टेम सेल्स भी है, ये मोस्टली इंजर्ड और डेड सेल्स को रिप्लेनिश या उनको रिप्लेस करने में मदद करती है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें डिफरेंशिएटेड सेल्स की, एग्जांपल्स एपिथेलियल सेल्स, ये मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में ऑलरेडी समझा दिया। एपिथेलियल सेल्स और क्या है, एंडोथेलियल सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, लिवर सेल्स, नर्व सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स। तो ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में सेल्स इन बोन मैरो, ब्रेन, ब्लड, लिवर, स्किन, डेंटल पल्प, द आई स्केलेटल मसल, पेनक्रियाज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सब के अंदर ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हमने नटशेल में यहाँ पे ये समझा कि डिफरेंशिएटेड सेल्स फर्दर और नई सेल्स को नहीं बनाते, अगर बनते हैं उनसे सेल्स वो वही, यानी मसल सेल से मसल सेल ही बनती है, फैट सेल से फैट सेल ही बनती है, यानी कि उनका डिवीज़न होता है, ना कि उनसे कोई और सेल जन्मे या उनसे कोई और सेल बने। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है मसल सेल से फैट सेल नहीं बन सकता, मसल सेल से इम्यून सेल नहीं बन सकती, ऐसे ही ब्लड सेल से बोन सेल नहीं बन सकती। समझ रहे हैं आप? तो डिफरेंशिएटेड सेल्स में उनका फंक्शन डिसाइडेड होता है, स्पेसिफिक होता है, जबकि स्टेम सेल्स में ऐसा नहीं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उनको कौन से इंस्ट्रक्शंस, उनको कौन से केमिकल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं। ओके, इस चीज़ को और सिंपली आपको समझाऊँ मैं, स्टेम सेल्स डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन। देखो, स्टेम सेल्स का कोई पर्टिकुलर फंक्शन और जॉब नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा स्किन सेल का एक फंक्शन है, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मसल सेल का अलग फंक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, नर्व सेल्स का फंक्शन है टू सेंड सिग्नल्स। अब अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें, स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन है फिर? दे डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन, उनका पर्टिकुलर जॉब नहीं है। ये स्टेम सेल्स कन्वर्ट होकर मसल सेल्स भी बन सकती है तो मसल सेल वाला काम करेंगी, तो ये कन्वर्ट होकर बोन सेल भी बन सकती है तो बोन का काम करेंगी। सेम सिमिलरली ये स्टेम सेल्स बाद में नर्वस सिस्टम में नर्व सेल भी बन सकती है, तब ये सिग्नल्स को भी सेंड कर सकती है। तो स्टेम सेल्स का कोई पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन नहीं होता, जबकि जबकि बाकी हमारी जो सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, उनका पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर जॉब होता है। नाउ स्टेम सेल्स को मैंने आपको यहाँ पे स्टेम सेल्स का एक फंक्शन बताया था कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेनिशिंग ओल्ड और इंजर्ड डेड सेल्स। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दे दूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो वॉर्न आउट या डेड सेल्स होती है वो कैसे रिप्लेस होती है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, वो हर उसकी आउटर लाइनिंग हर 4 दिन के बाद रिप्लेस होती है, एंड द स्टेम सेल्स बीनीथ द आउटर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स are actually responsible for replacing those worn out or dead cells of the outer lining of our intestines. तो आपको समझ आई ना कि हमारे इंटेस्टाइन की जो आउटर लाइनिंग है दैट इज़ एक्चुअली बीइंग रिप्लेस्ड एवरी 4 days एंड स्टेम सेल्स बीनीथ द आउटर लाइनिंग ऑफ दीज इंटेस्टाइन्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लेस सच worn out and dead cells of the intestines. So आपको ये बात समझ आ गई. देखो अब हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स के बारे में और क्या क्या हमें जानना चाहिए. आपको अब ये बात पता चली कि स्टेम सेल्स बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड एंड प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक ख़ास एबिलिटी होती है. वो ख़ास एबिलिटी क्या है कि वो डेवलप कर सकती है स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर. अब जो फ्यूचर है इस मेडिसिन का, द स्टेम सेल रिसर्चर्स जो कि काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं टू फाइंड द वेज इन विच to use these stem cells to create new tissues to replace parts that are damaged or dead by injury or disease. कल को अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में अगर उसका कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाता है और उस वाइटल ऑर्गन के डैमेज से वो बंदा नहीं बच सकता, बट देयर इज़ अ वे आउट कि हम स्टेम सेल से उसके पूरे ऑर्गन या टिश्यू को फिर से रिग्रो कर सकते हैं और फिर से ऐसे बंदे को एक नया ऑर्गन दे सकते हैं उस डैमेज्ड ऑर्गन के बदले और वो बंदा बच सकता है. दैट इज़ व्हाट स्टेम सेल रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन एज ऑफ नाउ. अब ऐसी कोई भी टेक्निक या ऐसी प्रोसेस जिसमें हम स्टेम सेल्स को यूज़ करें टू रिप्लेस डैमेज्ड बॉडीली टिश्यूज़, उसको हम बोलते हैं रिजेनरेटिव मेडिसिन. क्या समझ आया आपको? रिजेनरेटिव मेडिसिन क्या है? यूजिंग स्टेम सेल्स टू रिप्लेस डैमेज्ड बॉडीली टिश्यूज़, उसको हम रिजेनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं. ऐसा हम कब कब करते हैं? हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं, लाइक टू ट्रीट ब्लड कैंसर. तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ. साइंटिस्ट अभी के टाइम पे स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. कौन से पेशेंट्स को? जिनके अंदर ब्लड डिजीज़ेस सच एज ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर होता है. अभी ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर इफ़ेक्ट करता है हमारी बोन मैरो को. बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक स्पॉन्जी टिश्यू है इनसाइड आवर बोन्स, ठीक है. और ये बोन मैरो के अंदर ही हमारा ब्लड बनता है. हमेशा नॉर्मल केसेस में हमारे बोन मैरो से ही हमारा होल ब्लड बनता है, ठीक है. बट ल्यूकीमिया के अंदर सम सेल्स इनसाइड द बोन मैरो ग्रो अनकंट्रोलेबली. अब उनका वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है ल्यूकीमिया में बोन मैरो के अंदर किसी सेल का. अब इस वजह से जो हेल्दी स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्राउड आउट होती है, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है जिनसे ब्लड सेल्स बनती, बट ऐसा नहीं होता. अब ये जो बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो हो रही है और स्टेम सेल्स को बाहर निकाल रही है, इसी चीज़ को ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर बोलते हैं. अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वो किन्हीं ल्यूकीमिया पेशेंट्स को क्या करते हैं? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट देते हैं. स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में वो क्या करते हैं? न्यू स्टेम सेल्स इनके बोन मैरो के अंदर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद दीज स्टेम सेल्स बनाती हैं ब्लड सेल्स नीडेड फॉर द पेशेंट्स बॉडी. ठीक है, समझ गए आप? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी. अब अगर हम थेरापेटिक स्टैंड पॉइंट से बात करें, हमारी स्टेम सेल्स का अर्ली डेवलपमेंट और उनकी कैपेसिटी ऑफ टिश्यू रिन्यूअल उनको पोटेंशियली यूज़फुल बनाती है अदरवाइज़ इनक्यूरेबल कंडीशंस और इंजरीज. जैसे कि हमने ब्लड कैंसर की बात की, वो ठीक होता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है. आगे देखते हैं. नाउ पोटेंसी ऑफ स्टेम सेल्स. पोटेंसी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है थ्रू विच स्टेम सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स. समझ रहे हैं आप? बेस्ड ऑन देयर पोटेंसी स्टेम सेल्स को बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि टोटिपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्स, ऑलिगोपोटेंट सेल्स एंड यूनिपोटेंट सेल्स. टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स को कभी कभी ओमनीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहा जाता है. ये प्रोड्यूस कर सकती है ऑल एम्ब्रियोनिक सेल टाइप्स. इतना ही नहीं, दे कैन गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स मतलब प्लेसेंटा. और इतना ही नहीं, दे कैन construct an entire organism. टोटीपोटेंट सेल्स वैसी स्टेम सेल्स होती है जिनसे एक एंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा, यानी कि हर एक टाइप के सेल्स बनती है एम्ब्रियो के अंदर. टोटीपोटेंट सेल्स मोस्टली पाई जाती हैं वर्टिब्रेट्स में और मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. एग के अंदर भी पाए जाते हैं ये, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर. आफ्टर द फ्यू इनिशियल सेल डिविजन्स ऑफ मरूला, तो आपको पता ही होगा मरूला, देखो स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के 2-3 दिन के बाद मरूला बनता है जिसमें 2-4 सेल डिविजन्स हुए होते हैं. उसके बाद जाइगोट बनने के ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन बाद ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ऐसे ही कर करके गैस्ट्रूला और बाद में एम्ब्रियो, कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है. बट हम यहाँ पे मरूला की बात कर रहे हैं. जैसे कि हमने पीछे देखा, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स मरूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मरूला बनता है जाइगोट बनने के 2-3 दिन बाद, ठीक है. और जो ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनमें और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में एक ही डिफरेंस है. टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्लेसेंटा बनता है, और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से पूरा ऑर्गेनिज्म तो बनता है बट प्लेसेंटा नहीं बनता. प्लेसेंटा को छोड़ के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हर एक सेल बनती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, समझ रहे हैं आप. तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है इंक्लूडिंग प्लेसेंटा, और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है बट प्लेसेंटा को छोड़ के, ठीक है. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी बनाते हैं मल्टीपल सेल्स टाइप्स, बट पर्टिकुलरली एक ही ऑर्गन के या एक ही फैमिली ऑफ सेल्स के. आपने देखा टोटीपोटेंट सेल्स पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और हर एक ऑर्गन या हर एक टिश्यू की सेल्स को बना सकते हैं इंक्लूडिंग प्लेसेंटा. प्लूरिपोटेंट में पूरा ऑर्गेनिज्म, उसके हर एक सेल हर एक टिश्यू या हर एक ऑर्गन को बना सकते हैं ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटा. बट मल्टीपोटेंट सेल्स में ये भी मल्टीपल डिफरेंट सेल टाइप्स बना सकते हैं बट एक पर्टिकुलर ऑर्गन के, यानी कि वो स्टेम सेल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो हार्ट की रिजनरेशन के बारे में ही हेल्प करते हैं. वो स्टेम सेल्स जो बोन के अंदर होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड बनाते हैं. सेम इज़ द केस, वो स्टेम सेल्स जो हमारे इंटेस्टाइन के आउटर लेयर के बीनीथ प्रेजेंट होती हैं वो हमेशा उसी इंटेस्टाइन की आउटर लेयर को ही रिप्लेस करते रहते हैं, समझ रहे हैं आप. उनको हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं बट एक स्पेसिफिक ऑर्गन या एक स्पेसिफिक फैमिली ऑफ सेल्स के, ठीक है. नाउ विल सी ऑलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स. दे कैन डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोज रिलेटेड सेल्स. उसके बाद है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, ऐसी स्टेम सेल्स जो जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है किसी और सेल को बनाने की, बल्कि वो अपनी ही कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो हम इस डायग्राम को देखते हैं. इस डायग्राम को देखो, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हमेशा और हमेशा मरूला में या जाइगोट जो बनता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है. अब ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल सेल टाइप्स ऑफ बॉडी एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, ठीक है. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स are capable of giving rise to all cell types of body but extra embryonic tissues नहीं, ठीक है. एक और बात, अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जितना हम आगे बढ़ते हैं, जितना एम्ब्रियो बनता जाता है उतनी ही पोटेंसी सेल्स की कम होती जाती है, क्योंकि उतनी ही सेल्स अब डिफरेंशिएट हो रही है. पहले ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थी, अब ये थोड़ी डिफरेंशिएट हुई और डिफरेंशिएट हुई और डिफरेंशिएट हुई, एंड में ये फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स बनती हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इस स्पेसिफिक सेल्स बनती है. तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल सेल टाइप्स ऑफ ए पर्टिकुलर टिश्यू और पर्टिकुलर ऑर्गन. ऐसे ही नलिपोटेंट स्टेम सेल्स या यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अनदर टाइप ऑफ सेल, ठीक है. तो यहाँ पर आपको आई होप समझ आ गया होगा. तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप. अगर हम देखें इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं उनका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन दिस प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, क्योंकि इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. वो क्या है वो हम आगे और देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स क्यों नहीं है, इन पे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स आर ऑफन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ मरूला स्टेज तक ही ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है और एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये एथिकली ठीक नहीं माना जाता। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इलीगल भी है, ये एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन फॉर ऑब्टेनिंग दीज टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स आउट ऑफ एन एम्ब्रियो और मरूला, ठीक है। एडिशनली अगर हम ये अब ले भी लेते हैं और उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स को स्टोर कर लेते हैं, सो ऑन द अदर हैंड अगर हम ओलिगोपोटेंट या यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें, वो है उनकी एप्लीकेबिलिटी आर जनरली टू लिमिटेड एंड देयर रेस्ट्रिक्टेड पोटेंसी इज़ द रीज़न वाई दे आर बीइंग इग्नोर्ड फॉर द क्लिनिकल एप्लीकेशंस। अभी तक आपने देखा कि स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड एंड प्रिमिटिव सेल्स होती हैं और उनकी आपने पोटेंसी देखी, और अब हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हमेशा यूथफुल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और इसका कारण ये है कि स्टेम सेल्स खुद से ही सेल डिवीजन नहीं करती, और इफ़ ए सेल डज नॉट अंडरगो सेल डिवीजन ऑफ इट्स ओन इट इज़ सेड टू बी इन क्विसेंट स्टेज। तो कोई भी सेल्स जो खुद से ही सेल डिवीजन नहीं करती हूँ उनको हम बोलते हैं दीज सेल्स आर इन क्विसेंट स्टेज। तो द स्टेम सेल्स आर ऑलवेज इन क्विसेंट स्टेज सिंस दे आर नॉट गोइंग अंडर दिस सेल डिवीजन ऑफ देयर ओन। तो आपको पता है सेल स्टेम सेल्स के अंदर सेल रेप्लिकेशन होता है, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं और स्टेम सेल्स बनाते हैं, और स्टेम सेल्स चेंज हो सकती हैं या बना सकती हैं ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन कि उनको कौन सा केमिकल इंस्ट्रक्शन मिलता है टू फॉर्म दैट सेल। नाउ द रीज़न वाई स्टेम सेल्स डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन इज़ अ जीन कॉल्ड नैनॉग इज़ प्रेजेंट इन दिस स्टेम सेल एंड which disallows it to undergo cell division of its own. So अब आपको क्या समझ आया कि नैनॉग एक ऐसा जीन है जो स्टेम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस नैनॉग की वजह से स्टेम सेल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। अब ठीक है, अब हम जब केमिकल इंस्ट्रक्शंस ये स्टेम सेल्स को देते हैं टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन कब होता है? जब हम स्टेम सेल्स को कोई केमिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं to transform into any type of these specialized cells. अगर आपको पता हो, there are multiple kinds of stem cells that scientists can use for medical treatments and research. अब scientists ये सारे types of cells को use कर सकते हैं for medical treatments and research. क्योंकि हम stem cells इसीलिए पढ़ रहे हैं, हम उनकी significance in the field of medical research देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखें वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये एक ऐसी स्टेम सेल्स होती है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ, फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, पेरिफेरल ब्लड, और इनको बाद में रखा जाता है स्टेम सेल बैंक के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाई जाती है फ्रॉम लेफ्ट ओवर एम्ब्रियोज़ that are willingly donated by patients from fertility clinics. Now, somatic stem cells ऐसी stem cells होती हैं जो कि present होती हैं developed body में, ठीक है। developed body में मतलब वो बच्चे से भी हम ले सकते हैं या किसी बड़े adult से भी ले सकते हैं, उनको हम somatic stem cells बोलते हैं। और sources क्या है? dental pulp से, bone marrow से, outer layer of heart से, लिपोसक्शन वेस्ट से और मेनेस्ट्रॉल ब्लड से हम ये सोमेटिक स्टेम सेल्स को ले सकते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टेम सेल थेरेपी में हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को स्टेम सेल थेरेपी में प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? इट इज़ बिकॉज कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमेशा प्लूरीपोटेंट होती है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म के हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन की सेल्स बन सकती है। बट सोमेटिक स्टेम सेल्स मे बी और मे नॉट बी प्लूरिपोटेंट और ओलिगोपोटेंट। देखो, अब ये जो सोमेटिक स्टेम सेल्स होती है इनमें एक ड्रॉबैक ये है कि देयर आर द चांसेस दैट कि वो प्लूरिपोटेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। Now, if we talk about these adult stem cells or tissue-specific stem cells या somatic stem cells, they are found in small numbers in most of our body tissues. But वो present होते हैं वहाँ पे to replace the existing cells in our organs as they wear out or die. जैसे वो मरते हैं या wear out होते हैं, वो उस organ या उस tissue में उन cells को replace करते हैं. ये हमारे adult stem cells और tissue-specific stem cells. अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, आपने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट और इस वजह से दे कैन ग्रो एनी टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी. ठीक है, अब ये सोमेटिक स्टेम सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स और मेसेन्काइमल सोमेटिक स्टेम सेल्स. दीज सेल्स आर यूज्ड फॉर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस एंड दीज आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स. नाउ लेट्स सी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ stem cell that is known as induced pluripotent stem cell. Gurdon and Yamanaka उनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये induced pluripotent stem cells के लिए. ठीक है, अब ये induced pluripotent stem cells क्या होती है, अगर आपको मैं बता दूं कि ये regular skin, fat, liver और any other cells होती है. और scientists ने या जो doctors हैं उन्होंने इन्हीं सेल्स को चेंज किया टू मेक देम बिहेव लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. और आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन है, दे आर ऑलवेज प्लूरिपोटेंट एंड कैन बिकम एनी काइंड ऑफ सेल इन द बॉडी. आपको इतना पता है. और ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स में आप कोई भी आम सेल यानी कि स्किन की सेल हो, फैट सेल हो, लिवर हो या कोई भी और सेल हो, उसको आप ले सकते हो और बाद में उसी को ऐसा इंड्यूस करते हो, आप उसमें ऐसे केमिकल इंस्ट्रक्शंस देते हो कि वो चेंज होके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह बिहेव करती है. अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैसे बिहेव करती है कि वो उस एम्ब्रियोनिक सेल से हर एक सेल बनती है बॉडी की, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रिया हो, कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी टिश्यू हो, कोई भी मसल हो, कोई भी बोन हो, वो सब बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से. आपको ये पता है. अब ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में होता क्या है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो केमिकल इंस्ट्रक्शंस देते हैं किनको, किन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स को या डिफरेंशिएटेड सेल्स को, और मेकिंग देम गो बैक टू देयर जुवेनाइल स्टेज विदाउट द नीड फॉर एन एम्ब्रियो. और वही स्पेशलाइज्ड सेल को वो दे आर मेकिंग बिहेव लाइक एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. समझ रहे हैं आप. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप देखें यूजुअली हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के दो सोर्सेज हो सकते हैं, स्पर्म बना ओसाइट वगैरह वगैरह. यहाँ पे आपने पेट्री डिश में देखा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारे पास एक सोर्स है, या तो आप ये ब्लास्टोसिस्ट से ले सकते हो, या तो अगर आप देखो, अब आप यहाँ पे देखिए फिब्रोब्लास्ट सेल्स को या ब्लड सेल्स को या कोई भी, इनको हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, इनको हम बाद में रिप्रोग्राम करते हैं. ठीक है, रिप्रोग्रामिंग से हम इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड मेकिंग देम और मेकिंग दीज फिब्रोब्लास्ट सेल्स और मेकिंग दीज सोमैटिक सेल्स बिहेव लाइक इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. और इन्हीं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से बाद में ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी टिश्यू का रिन्यूअल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का हीलिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लिमिटेड. अगर आपके हार्ट में कोई इशू आता है तो द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट और लंग इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. और उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए दिस इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट इज़ हैविंग ए मेजर रोल. ठीक है, ठीक है. ये सब देखने के बाद आपको पता चला कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स होप टू यूज़ ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स टू क्रिएट न्यू टिश्यूज़ टू हील आवर बॉडी. दे ऑल्सो यूज स्टेम सेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ बॉडी वर्क्स बोथ व्हेन इट इज़ हेल्दी एंड व्हेन इट इज़ नॉट. और इतना ही नहीं, साइंटिस्ट प्रेजेंटली दे वॉच स्टेम सेल्स डेवलप इनटू टिश्यूज़ to understand the mechanisms that the body uses to create new tissues in a controlled and regulated way. तो ये हमारे functions हैं of these stem cells. All right. Scientists Gurdon और Yamanaka को Nobel Prize मिला गया था इस induced pluripotent stem cell बनाने के लिए. But आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिएशन ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 0.01%, 0.01 टू 0.1%, ठीक है, इतनी सक्सेस रेट है इस क्रिएशन ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, क्योंकि अब ये नेसेंट स्टेज में है ये सारी रिसर्च, आगे मे बी और इम्प्रूवमेंट्स आएँ इस सारी रिसर्च में। देखो, अगर हम अब मैकेनिज़्म की बात करें कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और ये बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी या पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको ये भी समझना है तो आप सर को बता देना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन। चलो, आई एम गोइंग टू मेक यू फैमिलियर विद अ क्यूरियस केस ऑफ ग्रोइंग किडनी ऑफ ए माउस इनसाइड अ रैट। ठीक है, देखो, जापानीज़ रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें उन्होंने माउस की फंक्शनल किडनी ग्रो की, माउस की किडनी ग्रो की इनसाइड अ रैट। ठीक है, उन्होंने ये कैसे किया? पहले स्टेप में उन्होंने क्रिस्पर कैस 9 टेक्निक को यूज़ करके रैट के किडनी ग्रो करने वाले जीन्स को साइलेंस किया। अब ये क्रिस्पर कैस टेक्निक क्या है, आपने अभी ये नहीं पढ़ा है। आप ऐसा याद रखिए कि क्रिस्पर कैस 9 टेक्निक एक ऐसी जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसमें या जिसकी मदद से आप किन्हीं जीन्स को एडिट कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो या उनको रिमूव कर सकते हो या साइलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्रिस्पर कैस टेक्निक से उन्होंने इस रैट के अंदर जो जीन्स की वजह से किडनी ग्रो होती थी उनको साइलेंस किया। और दूसरे स्टेप में अब हमने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास है, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या हुआ? क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर एग फर्टिलाइजेशन। 5-6 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 5-6 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ये जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्लास्टोसिस्ट है उसको अब हमने लिया और उसके बाद उसको हमने इंसर्ट किया विद प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ माइस। अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ माइस, ये वो स्टेम सेल्स थी विच हैड द प्रोग्रामिंग ऑफ ग्रोइंग ए किडनी इनसाइड द माइस। ऑलराइट, नाउ the altered rat embryo was then implanted back into rat womb to continue fertilization. अब ये altered rat embryo को हमने वापस से क्या किया, उसके rat के womb में डाल दिया और fertilization continue हुई। The stem cells then differentiated to form the missing kidney. और उसके बाद ये stem cells differentiate होके उन्होंने missing kidney बनाई इस rat के अंदर, जिसके अपने जो किडनी ग्रो करने के जीन्स थे जिनको हमने साइलेंस किया था। अब उसने किडनी ग्रो की बाय द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ ए माइस, एंड दिस कैन बी रेप्लिकेटेड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में भी डिफरेंट ऑर्गन्स को क्रिएट करने के लिए ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।